मिसेस कमर इस्लाम कनीज फातिमा गुलबर्गा की पहली मुस्लिम एमएलए खातून। गुलबर्गा जिले के 9 असेंबली हलकों में से कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 4 असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल की है, जबकि जनता दल सेकुलर को एक भी हलके में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हलका असेंबली गुलबर्गा शुमाल से कांग्रेस आई की उम्मीदवार मोहतरमा कनीज फातिमा ने बीजेपी को शिकस्त देकर पहली बार एमएलए मुंतखब हुई है। वो गुलबर्गा की पहली खातून एमएलए हुई है। गुलबर्गा शुमाल से अलहाज कमरुल इस्लाम 6 मरतबा एमएलए रहे हैं। इनके इंतकाल के बाद इस हलके से कांग्रेस ने इनकी अहलिया कनीज फातिमा को उम्मीदवार बनाया था। कनीज फातिमा ने एक जानब बीजेपी को टक्कर दी, दूसरी जानब उन्होंने जेडीएस के बशमूल मुख्तलिफ मुस्लिम उम्मीदवारों को शिकस्त से दोचार किया। हलका असम्बली गुलबर्गा शुमाल से कांग्रेस आई उम्मीदवार मोहतरमा कनीज फातिमा जोजा कमरुल इस्लाम ने 64,311 वोट हासिल करते हुए अपने करीबी हरीफ बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल को 5,940 वोटों की बढ़तरी से शिकस्त दी। इनकी तारीखी कामयाबी पर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से जबरदस्त रैली निकाली गई। रैली रिंग रोड, दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम चौक से होती हुई मोहतरमा कनीज फातिमा की रिहायशगाह पहुंचकर अख्तताम पजीर हुई। मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने तकद्दस माब हजरत अल्हाज डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी सज्जद नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते हुए उनकी हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। नतायज का ऐलान होने के फौरी बाद मोहतरमा कनीज फातिमा ने एटीवी को सबसे पहला इंटरव्यू देते हुए कहा कि फिलहाल मेरे साथ कनीज फातिमा जी हैं, जो कि मिसेस कमरुल इस्लाम है। खमर साहब की परछाई, खमर साहब का छाया इन्हें आप कह सकते हैं। तो मैडम सबसे पहले फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन एटीवी, तो मैडम आप विन हो चुकी हैं। और सबसे पहली बात ये है कि आप खमर साहब से ज्यादा वोट आपने लिए हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वोट काउंट बढ़ गया है, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा ली हूँ। उन्होंने जब ठहरे थे इससे कम थे, कम था उनका, इसीलिए मैं ज्यादा हूँ, लेकिन लीड उनकी ज्यादा थी। जी, काफी सारे लोग आपकी चाहत आपको चाहते हैं भाभी माँ, आपसे कई सारे लोग उम्मीद लगा के रखे हैं कि भाभी माँ जब जीत के आएंगी तो हम उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, वोटर्स का, पूरे कॉर्पोरेट्स का, कांग्रेस के वोटर्स का, कांग्रेस के जो भी सपोर्ट करे मेरे को, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं दिल से, अपने तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। कमर साहब के लिए दो अल्फाज भाई, बस ये उनकी देन है जो सब लोग कमर साहब की खिदमत की जीत है। ये मेरी नहीं, उनके खिदमत की जीत है। शुक्रिया शुक्रिया।